को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, जिसे हमें उनकी 150वीं जयंती तक पूर्ण करना है। इसी सपने को साकार करने के भ्रमण के लिए जा रही थी, जब उसने देखा कि कुछ लोग रास्ते में कूड़ा करकट फेंक कर चले गए हैं। स्मृति द्वारा इन लोगों का विरोध किया गया और वह गंदगी को स्वयं उठाकर कूड़ादान में डालने लगे। अपने इस प्रदर्शन से श्वान स्मृति हमें यह संदेश दे रही है कि जब श्वान गंदगी फैलाने वालों का विरोध कर सकते हैं, तो हमें भी स्वच्छता को अपने जीवन में उतारना चाहिए एवं स्वच्छ और निर्मल भारत का सपना साकार करना चाहिए। Beauty.
with the red team. It's that by blue. And here goes the first basket. And the first basket in favor of blue. And here goes the third basket by blue team. The ball is with the red team now. Red team. And here goes the first basket by the red team. Ball again with the blue team. And here goes the first dog, Chetan, crossing all the obstacles. And second dog, Larry, is awaiting his turn and he starts off. Here comes the third dog. Do it. अपने सामने की बाधाओं को पार करते हुए ये श्वान दर्शा रहे हैं कि भारत नेपाल और भूटान सीमा पर तैनात ये श्वान विभिन्न बाधाओं को की परवाह किए बगैर पूरी तत्परता से अपने कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। आग, पानी और दुर्गम रास्ते